हर साल नए आईफोन के साथ एप्पल वॉच की नई सीरीज पेश करता है। आईफोन 11 सीरीज के साथ भी एप्पल वॉच सीरीज 5 एप्पल वॉच सीरीज 5 लॉन्च की गई है। एप्पल वॉच में हर साल कुछ नए फीचर्स जुड़ते हैं। एप्पल वॉच सीरीज 5 की चर्चा सबसे ज्यादा अल्वेज ऑन डिस्प्ले को लेकर है। एप्पल वॉच सीरीज 5 के अल्वेज ऑन डिस्प्ले फीचर पर लॉन्चिंग के दौरान कीनोट में भी विशेष जोर दिया गया है। एप्पल वॉच सीरीज 5 को हमने कुछ दिनों तक इस्तेमाल किया है। आइए रिव्यू में जानते हैं कि एप्पल वॉच सीरीज क्या बेस्ट स्मार्ट वॉच है। फीचर की बात करें तो एप्पल वॉच सीरीज 5 में अल्वेज ऑन डिस्प्ले के अलावा इनबिल्ट कंपास और इंटरनेशनल इमरजेंसी कॉलिंग जैसे तीन खास फीचर्स हैं जो कि एप्पल वॉच सीरीज 4 में नहीं थे। इसके अलावा एप्पल वॉच सीरीज 5 में नया एप्पल S5 प्रोसेसर, एम्बिएंट नॉइज मापने के लिए इनबिल्ट ऐप और 32 GB की स्टोरेज है। इमरजेंसी कॉलिंग फीचर फॉल डिटेक्शन किरनिक के दौरान ऑटोमेटिक काम करेगा। यह वॉच एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, सिरेमिक और टाइटेनियम वेरिएंट में मिलेगा। इसमें वॉचओएस 6 मिलेगा। इस वॉच में ईसिम और ईसीजी का भी सपोर्ट है। वॉच में वाईफाई का भी सपोर्ट है। कीमत की बात करें तो 400mm एल्यूमिनियम GPS मॉडल की कीमत 40,900 रुपये, 400mm एल्यूमिनियम GPS सेलुलर की कीमत 49,900 रुपये है। वहीं 44mm एल्यूमिनियम GPS की कीमत 43,900 रुपये और 44mm एल्यूमिनियम GPS सेलुलर वेरिएंट की कीमत 52,900 रुपये है। डिजाइन और लुक की बात करें तो एप्पल वॉच सीरीज 5 की डिजाइन एप्पल वॉच सीरीज 4 की तरह ही है। डिजिटल क्राउन एक तरह का बटन, राइट साइड में माइक्रोफोन है जो कि साइड बटन के ऊपर है। एप्पल वॉच सीरीज 5 के सेलुलर वेरिएंट के क्राउन में चारों ओर लाल रंग की एक पट्टी है। क्राउन का इस्तेमाल आप डिस्प्ले को जूम करने और स्क्रॉल करने के लिए भी कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन है और एक महीने तक लगातार इस्तेमाल करने पर भी डिस्प्ले पर कोई खरोंच नहीं आया है। डिस्प्ले का प्रोटेक्शन काबिले तारीफ है। डिस्प्ले की बात करें तो चाहे कड़ी धूप हो या अंधेरी रात, डिस्प्ले का परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया है। डिस्प्ले का ऑटो ब्राइटनेस फीचर बखूबी काम करता है। वॉलपेपर पर भी आपको कई तरह के इनबिल्ट मिलते हैं। इसके अलावा आप एप्पल वॉच ऐप की फेस गैलरी से और भी वॉलपेपर ले सकते हैं। नीचे की ओर इलेक्ट्रिक सेंसर दिया गया है जो कि हार्ट रेट मॉनिटर और ECG के लिए है। स्पीकर लेफ्ट साइड में है। वेरिएंट की बात करें तो यह वॉच एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील वेरिएंट में मौजूद है। स्ट्रैप आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। आप अलग से भी स्ट्रैप खरीद सकते हैं जिनकी कीमत 3,999 रुपये है। कॉलिंग की बात करें तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। स्पीकर की आवाज बढ़िया है और बातचीत के दौरान आवाज साफ आती है। चाहे आप सेलुलर नेटवर्क से कॉलिंग करें या फिर ब्लूटूथ से कॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। स्पीकर और माइक्रोफोन बखूबी काम करते हैं। टच को लेकर कोई समस्या नहीं है और वॉच में गर्म या हैंग होने जैसी भी कोई बात नहीं है। अवेक फीचर सटीकता से काम करता है। इसके अलावा सटीक ट्रैकर, ECG और हार्ट रेट भी एक्यूरेट हैं। एप्पल वॉच सीरीज 5 की बैटरी को फुल चार्ज करने में 2 घंटे का वक्त लगता है। यदि अल्वेज ऑन डिस्प्ले है तो बैटरी बैकअप आपको 1.5 दिन की मिलेगी, नहीं तो बैटरी 2 दिन चलेगी। वास्तव में एप्पल वॉच सीरीज 5 की बैटरी 2 दिन की ही है। बैटरी को लेकर एप्पल को सोचने की जरूरत है। ECG को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। क्राउन पर 30 सेकंड तक अपनी उंगली को रखकर आप अपनी ECG रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ECG रिपोर्ट को आसानी से ऐप के जरिए ही PDF फाइल में बदला जा सकता है। इसके साथ खास बात यह है कि आप स्मार्ट वॉच से ही फोन के कैमरे को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जबकि अधिकतर स्मार्ट वॉच में यह फीचर नहीं है। इस स्मार्ट वॉच की एक और खासियत है कि आईफोन लॉक होने पर भी आप वॉच से ही आईफोन के कैमरे को ओपन और बंद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अपनी घड़ी से ही फोन के जरिए फोटो क्लिक कर सकते हैं। वॉच के साथ एप्पल सिरी का भी सपोर्ट है जो बखूबी काम करती है। वॉच के साथ एक वॉकी टॉकी नाम से फीचर है जिसकी मदद से आप अपने किसी दोस्त से बिना नेटवर्क बात कर सकते हैं। हालांकि यह फीचर एप्पल वॉच पर ही काम करता है, यानी आपके दोस्त के पास भी एप्पल वॉच होनी चाहिए। एप्पल वॉच सीरीज 5 आपके आसपास के ध्वनि प्रदूषण को भी माप सकता है। इसके लिए वॉच में एक ऐप भी है जो साउंड के 90 डेसिबल से अधिक होने पर आपको अलर्ट करता है। यह फीचर हेडफोन के अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी काम करता है। इस वॉच में आपको स्लीप ट्रैकिंग फीचर नहीं मिलता है। ऐसे में एप्पल वॉच सीरीज 5 आपको यह नहीं बता सकती कि आप पिछली रात कितनी देर सोए और कितनी देर गहरी नींद में सोए। रिव्यू के दौरान हमने स्लीप ट्रैक करने के लिए स्लीप जोर जोर ऐप का इस्तेमाल किया।
हालांकि यह ऐप किसी स्मार्ट वॉच में इनबिल्ट स्लीप ट्रैकर जितना सटीक काम नहीं करता है। इसके अलावा इस स्मार्ट वॉच में ऑटोमेटिक एक्टिविटी फीचर भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि आप साइकिल चलाते हैं तो इसकी जानकारी एप्पल वॉच सीरीज 5 नहीं दे पाती है। हालांकि इसके साथ एक एक्टिविटी नाम का एक ऐप भी मिलता है, लेकिन वह सटीक काम नहीं करता है। हालांकि वॉच में वर्कआउट फीचर मिलता है जिसे मैनुअल तौर पर ऑन करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप दौड़ रहे हैं तो आप रनिंग मोड को सिलेक्ट करना होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो यह एक बेस्ट एप्पल वॉच है, लेकिन स्लीप ट्रैकिंग और ऑटोमेटिक ट्रैकर की कमी खलती है।